द नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मॉलिब्डेनम, जो कि अपने ऑक्साइड के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है प्लांट फ्रॉम द सॉयल. सो इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, दैट इज MOO2 नेगेटिव आयन की फॉर्म में. और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं? इट हेल्प्स इन द प्लांट डेवलपमेंट और इसकी ग्रोथ में हेल्प करता है. द कंपोनेंट ऑफ वेरियस एंजाइम, मॉलिब्डेनम जो है वो बहुत सारे एंजाइम्स को एज अ मेटल आयन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, इसलिए उसको एज अ कंपोनेंट कह सकते हैं एंजाइम्स का, इंक्लूडिंग द नाइट्रोजिनेज एंजाइम एंड नाइट्रेट रिडक्टेज. जब हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे उस टाइम पर हम नाइट्रोजिनेज एंजाइम और नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, एंड यू विल सी कैसे ये जो मॉलिब्डेनम है उन एंजाइम्स का एक कंपोनेंट है. देन फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन द प्लांट मॉलिब्डेनम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है. सो व्हाट आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स? स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द प्लांट, शॉर्ट रहेगा प्लांट, येलोइश ऑफ द लीव्स, अपवर्ड कर्लिंग ऑफ द लीव्स एंड लीफ मार्जिन्स जो है वो बर्निंग कंडीशन वाले हो जाएंगे. जो लीफ कर्लिंग है वो बहुत ज्यादा देखी जाती है इन दी डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिब्डेनम. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो लीव्स हैं ये नॉर्मल लीव्स जैसी नहीं है, इनकी कर्लिंग हो जाती है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन और येलोइश, दैट इज द क्लोरोसिस विल ऑल्सो हैपन इन दी डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिब्डेनम. सो ऑल दीज आर दी फंक्शंस एंड दी एब्जॉर्प्शन फॉर्म और उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स मॉलिब्डेनम माइक्रो न्यूट्रिएंट की. थैंक यू.